अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बावर्ची स्टाइल चिकन सीख बिरयानी, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो चिकन का कीमा। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्ची, 2 चम्मच हरी कुटी हुई मिर्ची, ये भी इसमें ऐड करूंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट 4 चम्मच, अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे सीख कबाब मसाला 2 चम्मच, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच नमक, मुट्ठी भर के हरा धनिया, 1 मुट्ठी भर के पुदीना। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया है। अब हम इसका सीख बना लेंगे, मार्केट में मिल जाएगी। आप देख सकते हो सीख का साइज आप अपने हिसाब से रखिए। आप देख सकते हो मेरे पास इस तरीके का एक रॉड भी था, तो मैं इसमें बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमने आधी सीख बना ली है, आधी सीख बाद में बनाएंगे, जब तक हम इसको कर लेते हैं फ्राई। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑयल, ये वही ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने प्याज लाल किया था। तो यहाँ पर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सीख एक एक करके। जब तक हमारी सीख फ्राई हो रही है तब तक हम बाकी की सीख भी रेडी कर लेते हैं। तो जब तक का हमारा सीख कबाब फ्राई हो रहा है तब तक का हम ग्रेवी बना लेते हैं। तो ये वही तेल है जिसमें मैंने बरिस्ता लाल किया था। अब मैंने ले लिए ये सारे खड़े मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच शाह जीरा, लौंग, इलायची, कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, दालचीनी, सारे खड़े मसाले ले लिए हैं मैंने। और यहाँ पर हमारा तेल गरम हो चुका है। अब मैं ये सारे खड़े मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है। एक सेकेंड के लिए इसको रोस्ट करेंगे। तो 1 सेकेंड हो चुका है। अब मैं ले लूँगी इसमें प्याज, 3 बड़े साइज के प्याज लिए थे मैंने, इसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे।
यहाँ पर हमको प्याज को सिर्फ नरम करना है, ना के ब्राउन। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन, और जो हमने मिर्ची कूट के रखी थी उसको ऐड करेंगे इसमें। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 छोटे मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर ऑप्शनल है, आपको डालना है तो आप डालिए, नहीं डालना है तो आप मत डालिए। टमाटर और प्याज को हम सिर्फ हल्का सा नरम करेंगे। क्योंकि हम व्हाइट ग्रेवी बना रहे हैं, इसके लिए प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करना है इसे तो आप देख सकते हो हमारा प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। कुटी हुई हरी मिर्ची, इसे भी हम पूरा ऐड कर देंगे। 3 चम्मच मिक्स करेंगे अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बरिस्ता। पूरा बरिस्ता हम ऐड नहीं करेंगे, मैंने इसमें 1/2 कप पानी भी ऐड किया है ताकि हमारे मसाले जले ना। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सीख कबाब मसाला, 3 चम्मच। अभी मैं मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर दूंगी इस तरीके से। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने हिसाब से ऐड करिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप दही। अच्छे से कटोरी को खंगार के मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है दही के साथ। अब इसे भी मिक्स करेंगे। यहाँ पर ले लिया है 4 बड़े चम्मच मेयोनीज, इसे भी हम ऐड करेंगे। इसे भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है। मैंने इसमें 4 चम्मच ही मेयोनीज ली थी, अगर आप चाहो तो 1 कटोरी भर के भी मेयोनीज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ले लूंगी अमूल फ्रेश क्रीम। आधा डब्बा लिया है मैंने। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जब तक हमारा मसाला भून रहा है तब तक हम सीख कबाब कट कर लेते हैं। 10 मिनट के लिए हमारे मसालों को लो फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि हमारे मसालों में तेल सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर हमारा सीख कबाब भी रेडी हो चुका है। अब हम इसको कर लेते हैं कट। इस तरीके से मैं कट करूंगी। आप जिस भी एंगल से काटना चाहते हो आप काट सकते हो।
आपने सारा सीख कबाब कट कर लिया है, अब चलते हैं मसाले की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा मसाला भी ऑलमोस्ट पक चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी जो सीख थी वो, और साथ ही साथ ऐड कर देंगे कोथमीर और पुदीना। अब इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक टोप में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। हमारा पानी गर्म हो जाएगा, हमारा पानी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सारे खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारे पानी में हल्का सा बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारे खड़े मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच शाह जीरा, नींबू के 2-3 टुकड़े, कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, चक्री फूल, जो भी साबुत खड़े मसाले हैं वो ले लिया है मैंने। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 चम्मच नमक और 1 परी ऑयल। अगर आप चाहो तो इसमें 1/2 चम्मच घी भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच नमक और ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से ऐड करिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे केवड़ा एसेंस, 6 से 7 ड्रॉप केवड़ा एसेंस के जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर मैंने लिया है बासमती राइस 1.5 किलो और हमारा पानी था 4 लीटर। धीरे धीरे मैं सारे चावल इसमें ऐड कर दूंगी। तो मैंने सारे चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको पका लेंगे 90 टका। चलो पर आप लोग देख सकते हो हमारा चावल भी 90 टका पक चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में। तो अब हम कर लेते हैं फाइनल फिनिशिंग। अब हम लगा लेंगे दही। दो लेयर लगाएंगे हम। अब हम इसमें थोड़ा सा बरिस्ता भी ऐड करेंगे। अब चावल की एक और लेयर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक लेयर और लगा ली है, दो लेयर लगाई है हमने। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऊपर से चावल। पहले थोड़ा सा बरिस्ता इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा कोथमीर भी ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी फूड कलर, ये ग्रीन कलर लिया है मैंने। अब मैं थोड़ा सा बरिस्ता भी इस पर ऐड करूंगी गार्निशिंग के लिए। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत सीख निकाल के साइड में रख ली थी गार्निशिंग के लिए। अब मैं एक एक करके इसको ऐसे रख दूंगी ताकि हमारी बिरयानी अच्छी दिखे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे, फिर उसे चेक करेंगे।
तो यहाँ पर मैं अपनी बिरयानी को भाप लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं रख लूँगी एक प्लेट, अगर आप चाहो तो फॉइल पेपर होता है ना तो वो भी लगा सकते हो। मेरे पास फॉइल पेपर नहीं था, अगर आपके पास फॉइल पेपर होगा तो आप फॉइल पेपर लगाइए। मेरे पास फॉइल पेपर ख़त्म हो चुका था इसलिए मैं एक प्लेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है कोयला, जिसको मैंने अच्छा गरम कर लिया है। अब मैं इस पर ऐड कर दूंगी बटर या फिर ऑयल। अब इसे बंद कर दूंगी मैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारी बिरयानी फाइनली रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पुदीना और कोथमीर ऊपर से डाल दूंगी। तो चलिए मैं इसे निकाल कर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो फाइनली हमारा मलाई सीख बिरयानी बनके तैयार हो चुका है। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको कुछ न्यू रेसिपी देखनी है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।